हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विथ अनदर एपिसोड ऑफ ढाई अक्षर कोड के। किसी भी टेक स्टैक को सीखने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? इनिशियल में ना एक छोटा सा एबीसीडी अच्छा से पढ़ के रखना चाहिए। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का क्या सीन होता है? अप्लाई करते जाओ, एक कंपनी आएगी, रिजेक्ट हो गए, सीखोगे कि क्यों रिजेक्ट हुए। आप सिविल इंजीनियरिंग से थे, आप इस टाइम करंटली एसडी के रोल में काम कर रहे हो, सो मतलब ये कैसे कन्वर्जन हुआ? कोई भी सीएस से या सिविल से हो, डिपार्टमेंट से तो कोई मतलब होता नहीं है, वी ऑल स्टडी बाय आवरसेल्फ। ये थोड़ा सा आप अपने लव लाइफ के बारे में बता सकते हैं? As single as you think, dude. If your code has theme song, then what would it be? Whatever it takes. CTC. Today we have our guest as Ankur Bhaiya. Ankur Bhaiya is currently SD at Navi, and he is 2023 alumni of our college, NIT Agartala. So welcome, Ankur Bhaiya. And let's begin with the first question. Bangalore mein mausam kaisa chal raha hai, Ankur Bhaiya? काफी बढ़िया है, एकदम 25 डिग्री के आसपास. सब कुछ चिल. और भैया कैसा चल रहा है बाकी सब बढ़िया चल रहा है भाई. दिन भर काम करो, रात भर सो, फिर से कल काम करो, और वीकेंड पे पार्टी. जो कुछ सोचते हैं सब इधर है. सो भैया सबसे शुरू से शुरू करते हैं, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस लेना था भैया. जब आप कॉलेज में पहली बार आए तो आपको कैसा लगा था अपने कॉलेज में? यार सबसे पहले तो आया था यार, तो 15 किलोमीटर वाली जो जंगल से पार होके आते हैं, वहाँ पे थोड़ी फट गई थी मेरी कि कहाँ आ गया हूँ. बट इट्स लाइक कि धीरे धीरे, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके आया नहीं था मैं आया था सिविल इंजीनियर, पापा ने दिलाया था, तो इट्स लाइक कि यूपीएससी की तैयारी करूँगा. बट कुछ ज़्यादा पढ़ता वढ़ता था नहीं, घूमा करता था सब कुछ. फर्स्ट ईयर में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर घूमा करता था, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं, बस यही मतलब एज फर्स्ट ईयर यूज टू बी राइट. चिल करना है, घूमना है, दोस्त बनाने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेजते रहना है, यही सब करता था मैं. और भैया कुछ डीसीसी के इनिशियल डेज के बारे में बताइए. यार डीसीसी का इनिशियल डेज थर्ड ईयर में, जब मैं थर्ड ईयर गया था तब स्टार्ट हुआ था डीसीसी बेसिकली. और डीसीसी में इनिशियली ज्वाइन नहीं करना चाहता था, बिकॉज पूरा सेकंड ईयर मैंने लिटरेचर क्लब को दिया था, और इस टाइम था कि मैं थोड़ा अपने ऊपर फोकस करूंगा, नॉट टू गिव माय टाइम टू एनी क्लब और समथिंग. बट दे आस्क्ड मी टू कम, एंड लाइक मुझे भी था कि लोग काफ़ी अच्छे थे इसमें, वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन नीटा वॉज देयर, सो मैं ज्वाइन किया. और क्योंकि सेम माइंडसेट वाले लोग थे तो इन्जॉय भी करते थे, और सब कुछ सही से आगे चलते गए. डीसी का इनिशियल डेज यही था बेसिकली. मतलब कोडिंग वाले जूनियर, कोडिंग वाले साथ वाले, और सबसे बड़ी बात कि एकदम से नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ था. हमेशा मैं पहले फर्स्ट ईयर में ड्रामेटिक्स क्लब में था, फिर लिटरेचर क्लब में गया, पर इट्स लाइक कि डीसी में एकदम से नए नए काफ़ी तेज बच्चे, काफ़ी कोडिंग में ब्रिलियंट बच्चे थे, तो उनसे नया इंटरेक्शन हुआ था मेरा, तो काफ़ी बढ़िया था. ओके भैया. और भैया मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग से थे, सो आप क्लीशे क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन मतलब आप इस टाइम करंटली एसडी के रोल में काम कर रहे हो, सो मतलब ये कैसे कन्वर्जन हुआ? मतलब आपको कभी अंदर से नहीं लगा कि मुझे सिविल ही करना चाहिए, मैं टेक्निक में जा रहा हूँ? दिस इज द क्लासिक क्वेश्चन आई गेट एवरी टाइम. सो एज वी ऑल नो कि कोई भी सी एस से हो या सिविल से हो, डिपार्टमेंट से तो कोई मतलब होता नहीं है, वी ऑल स्टडी बाय आर सेल्फ. ओके, सो सिविल से और सी एस से कोई मतलब होता नहीं है, बट द थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट टू एक्सेल इन माई प्रोग्रामिंग स्किल्स और डेवलपमेंट स्किल्स इज 2 ईयर ऑफ लोनली लॉकडाउन. ओके, सो लॉकडाउन हुआ, कुछ करने को नहीं था, सिविल का कोई कुछ पढ़ नहीं सकते थे, नो लैब्स, नथिंग. सो इट वॉज ए वेरी बेस्ट थिंग टू डू प्रोग्रामिंग, बिकॉज वी ऑल नो वी गेट बेस्ट जॉब्स इन प्रोग्रामिंग, मोर नंबर ऑफ जॉब्स, बेटर सैलरी एंड एवरीथिंग. सो यही सोच करके मैंने स्टार्ट किया था, और बेसिकली कुछ कुछ आइडियाज भी थे मेरे पास जो इजिली इम्प्लीमेंट हो सकते थे यूजिंग प्रोग्रामिंग एंड ऑल. सो इनिशियली मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट्स बना करके, ऐसे एकदम से इंटरव्यू की तैयारी नहीं स्टार्ट की थी मैंने
नॉर्मल HTML CSS से छोटे मोटे वेबसाइट्स बनाया करता था, और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आया और सेम इंटरेस्ट के सीनियर से इंटरेक्ट किया, तो फिर ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड समझ में आने लगा कि ये करना ये करना ये करना है, एंड इसी तरीके से मैंने आगे जर्नी स्टार्ट की थी अपनी। ओके सो भैया, मतलब किसी भी, मतलब आपने तो इतनी टेक स्टैक सीख के रखी है, अब आप कई टेक स्टैक्स में कोड भी करते होगे अपने SD एक्सपीरियंस में. सो हाँ एक बेसिक क्वेश्चन था कि किसी भी टेक स्टैक को सीखने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, बेस्ट वे. ये काफी तुम पहले भी सुन चुके हो कि बेस्ट टेक स्टैक सीखने का तरीका इज लाइक बिल्डिंग नाइस प्रोजेक्ट्स इन इट। बट एज ए बिगिनर क्या होता है ना, कि एज ए बिगिनर मैं बताता हूँ, कोई भी एक अच्छा सा कोर्स ले लो, स्मॉल कोर्स, नॉट ए वेरी बिग कोर्स। मैंने यही किया था, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ थे, ऐसे वैसे किया करता था, कुछ यहाँ से कोड करता था, कुछ वहाँ से कोड करता था। डेवलपमेंट नहीं होती थी मेरी, मतलब होता है ना इंक्रीज इन लर्निंग्स और कुछ नहीं होती थी। फिर मैंने बहुत अच्छा एक कोर्स खरीदा यूडेमी पर और उसको एक अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि सॉर्ट ऑफ ABCD समझ में आ जाता है सब कुछ, कुछ एक पर्टिकुलर टेक स्टैक का, राइट। सो इसके इससे मैं बढ़ा आगे, एंड देन उसके बाद मैंने खूब सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए, राइट। बहुत सारे, इफ यू चेक माई स्टॉक, माई गिटहब अकाउंट, यू विल गेट टू सी सो मैनी प्रोजेक्ट्स, एज सिली एज ए नॉर्मल लैंडिंग पेज टू वेरी नाइस रिएक्ट नेटिव एप्स एंड लाइक Web3 एप्स, एवरीथिंग यू विल गेट टू सी। सो ये कि इनिशियल में ना एक छोटा सा ABCD अच्छा से पढ़ के रखना चाहिए, अच्छे से एक कोर्स, छोटा सा ही कोर्स हो ना कि बहुत बड़ा कोर्स हो, एक वो कोर्स अच्छे से कर लो कि सब कुछ समझ में आ जाए, कि ऐसे राउट राउटर कैसे बनाते हैं, DB कैसे कनेक्ट करते हैं, DB में स्कीमा कैसे डिज़ाइन करते हैं, फिर UI है तो UI कैसे, HTML CSS के बहुत सारे तरीके कैसे कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टार्ट करो, गेट ए नाइस कोर्स, देन इम्प्लीमेंट एज मेनी प्रोजेक्ट्स एज यू वॉन्ट बिल्कुल. एंड डिप्लॉय इट, लेट पीपल या नो अबाउट इट, लेट पीपल यूज दैट प्रोजेक्ट। सो भैया, अगला सवाल ये है, बेसिकली ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का क्या सीन होता है भैया, इसमें अगर आप कोई हैक बता सको जो हमें भी फायदा दे. यार देर इज ए रीजन बिहाइंड माई ऑल ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, इज लाइक कि फॉर ए सिविल इंजीनियर इन आवर कॉलेज वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लाइक नो कंपनीज अलाउ यू इन इंटर्नशिप्स, वेरी फ्यू कंपनीज अलाउ यू इन प्लेसमेंट्स एंड ऑल। सो दिस केस फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड फॉर माई इनिशियल डेज, कि हाँ मुझे पता है अपॉर्चुनिटीज कॉलेज में मुझे कम मिलेंगी, ये मैं पहले से सोच चुका था। ऐसा नहीं कि मैं बाद में पैनिक करूँ कि यार मुझे तो अलाउ ही नहीं कर रहे एंड ऑल, मैं पहले से प्रिपेयर था इन चीज़ों के लिए। सो सिंस मैंने सेकेंड ईयर में डेवलपमेंट काफ़ी कर रखी थी और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बना रखे थे, तो एट द एंड ऑफ माई सेकेंड ईयर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द हैक और समथिंग, नथिंग हैक इज देयर, बट लाइक ऑफ कैंपस में डेवलपमेंट वाले इंटर्नशिप्स लेना इज रिलेटिवली ईजियर देन गेटिंग ए DSA और यू कैन से बिग टेक कंपनीज MNCs इंटर्नशिप्स इज लिटिल टफ, ओके, बिकॉज लाइक क्राउड इज सो मच देयर एंड दे ऑल्सो हैव वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, लाइक वेरी हाई बार एंड ऑल। सो मैंने उसी तरीके से स्टार्ट किया था कि सिंपल थिंग्स लाइक नाइस प्रोजेक्ट्स, नाइस स्किल्स, अच्छे से इंटरव्यू देना आता है मुझे, बट द थिंग इन ऑफ कैंपस इज हाउ टू फाइंड देम, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज। तो सिंपल एक्सप्लोर करते जाओ, ठीक है। एक्सप्लोर करने का मतलब कि जहाँ से भी दिख पाए कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, मेनी थिंग्स आर देयर, लिंक्डइन, वेरियस जॉब पोर्टल्स, कुवेट हो गया, लिंक्डइन हो गया, और भी इंटर्नशाला, मेरी पहले इंटर्नशिप इंटर्नशाला से मिली थी, राइट। तो मैं एकदम से ना सिंपल क्या किया, अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना लिए, गिटहब पे डाल दिया, सबको डिप्लॉय कर दिया, सबको अच्छे से मेंशन किया रिज्यूमे पर, और एकदम से अप्लाई करता था, खूब अप्लाई किया करता था, दिन के 10-15 कंपनीज अप्लाई किया करता था, और ये बिना सोचे कि पता नहीं मुझे आएगा या नहीं आएगा। और होता है ना कि जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं ना सब करते जाओ, बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लिए तुमने, प्रोजेक्ट्स बना लिए, रिज्यूमे बना लिया, सब कुछ डिप्लॉय कर दिया, गिटहब पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, रिज्यूमे पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अब नाउ अप्लाई, अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, एक कंपनी आएगी, रिजेक्ट हो गए, सीखोगे कि क्यों रिजेक्ट हुए,
add that learnings to your next next interviews and all. So इसी तरीके से मुझे पहला internship मुझे second year में मिला था, and then third internship मुझे कुवैत में मिला था, कुवैत using a applying portal, कुवैत से मिला था मुझे, and then yeah. और फिर दो placements मेरी लगी थी, one at power play and one at Navi, और दोनों ही वो दोनों भी off campus थी. तो ये सब तो मैंने apply किया था, but पावर प्ले हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. पावर प्ले का स्टोरी ये था मेरा कि इट वॉज अराउंड टाइम ऑफ ऑगस्ट सेप्टेम्बर लास्ट ईयर. आई वॉज नॉट गेटिंग प्ले, आई वॉज लाइक जॉबलेस, नो प्लेसमेंट्स एंड ऑल. सो वही सेम रूल था, अप्लाई करते जाओ अप्लाई करते जाओ, कुछ हो नहीं रहा था. तो पावर प्ले को मैं फॉलो करता था लिंक्डइन पे, एंड देन आई सॉ कि दे हैव रेज अराउंड सीरीज अराउंड. ओके, सो मेरे दिमाग में ऐसे स्पार्क किया कि इफ़ दे हैव रेज दे will definitely hire. So I messaged that CTO, like ना कि whatever it takes वाला सीन हो जाता है ना, कि कुछ ना कुछ करते रहना है. I have my skills, everything, now I will apply as many times as possible. So I messaged the CTO and all and all. और unfortunately एक week बाद उसने बोला कि let's interview, we need a backend developer, we need a full stack developer, let's interview. और since I was prepared, so I got that job. And on the similar line, at Navi, Navi was having a off-campus hiring, like proper, you know, important, proper hiring was going on for Navi. Vacancies per yeah, minute. Yes. So it was like basic, like path was there, like give a OA, give an aptitude test, then OA, and then two round of interviews. And I was lucky enough to clear all of them. And then I got Navi. So if you summarize everything around off campus, like it is tough, definitely tougher than on campus, because on campus you get lots of opportunities on your college only, but it's not that difficult if you have right set of skills and like everything is like, you know, glittery in your resume, then you will definitely get a job off campus also. There is a possibility that you will not get a very nice job, not a fancy job, but you will definitely get a nice job at a startup, because the demand for a nice developer is very high in the industry. So भैया नावी से थोड़ा आप शुरू करते हैं. So basically आप नावी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ यार, I joined नावी in July this year, and Navi is basically fintech and everything related to financial things. We handle our most profitable business is personal loan, and then we also have home loans, mutual funds, stocks, and recently we have launched Navi UPI also. So yeah, classic fintech company, everything related to fintech we do at Navi. And it's also a very young growing startup led by very famous Sachin Bansal, who was the previous founder of Flipkart. So yeah, you know where the brain is coming from. Bhaiya, the next question would be ki what was the selection process of Navi and what was the interview structures like? How many rounds were there and what was basically asked in those rounds? Yeah, Navi had two rounds of OA. First was aptitude round, second one was DSA round, basically CP round you say. And post that there were two round of interviews. One was DSA round and second one was system design round, like basic system and projects round basically. These were the four process were there. Okay, and the level of questions asked in DSA, like in OA, the level of questions was like medium and more than medium, you can say, like little less than hard lead code problems and like around mediums only. And on the interviews, they asked like medium DP question. Two of the questions they asked me were from DP, and like I was able to solve that. Okay. And in the like managerial and system design round, which was my second round, it was taken by the UPI lead this time it at Navi. It was taken by him, and that round was purely on my projects and all. They asked me the system design, the database design of Facebook and all the projects and all the computer fundamentals and all, everything they asked. Okay. So, Bhaiya,
अगला क्वेश्चन रहेगा कि मतलब नावी में कल्चर कैसा है, हाउ इज द ऑफिस, हाउ इज द कल्चर, हाउ आर पीपल देयर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क यू डू देयर. सो टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज ऑफ नावी, लाइक बेस्ट इन द इंडस्ट्री आई वुड से, लाइक कंपीटिंग विद गूगल एंड ऑल, लाइक वी गेट वेरी नाइस फूड, वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू नीड यू विल गेट एट नावी, एवरी नाइस गैजेट्स यू विल गेट. But the downfall of that is you get a hell lot of work at Navi, because since it is a very fast growing fintech startup, because fintech startups have very high competition. Every, like, you can search on Google and you will get like more than 10 fintech companies who are like very nice and like doing best at their work. So competition is high, so we also have to work really hard. And it is a like young startup, like 5 years old only. So we have a lot of work, like it is also growing very rapidly nowadays, like Navi is growing very rapidly, so too much work is there. So my like initial few months were very hectic, very difficult for me to cope up with the work and all. Can you describe any latest tech that you are working on at Navi, like any product that you delivered till now? Yeah, the best of like luckily my manager had very confidence in me, because since I was like I used to tell my manager like मैंने internship करके आया हूँ 9 महीने power play में series A startup में, ऐसे मैं खूब बताया करता था उनको, तो उनको थोड़ा confidence आया. And then he gave me one very nice task of building chatbots to for collection of the EMI and loans, to hinge the customers like please pay the EMI and all so वो मेरा सबसे पहला task था. That included chatbots using WhatsApp and all, and also AI was also included in it, like the user, what user reply we used to get at our end, and then we used to process using data science, and the model used to generate a message that is going to be delivered to the user. So pehla mera ye task tha. According to the tech stack, major tech stack at Navi is Java Spring Boot, but we are gradually shifting to Golang, Kotlin and Golang. We are shifting to Golang, but like Golang is very hot nowadays. So like so many positive things with respect to Java Spring Boot. So yeah, we are working on Go so much. So Bhaiya, the next question would be the popular one in the market right now. A lot of juniors, when I talk to them, they go like, भैया मैं तो डेफ करूँगा, बस मैं DSA क्यों करूँगा, मैं डेफ करके नौकरी पाऊँगा 5 करोड़ की. So भैया, what are your views upon this DSA versus dev thing that is going on right now? So this is going to be my very personal view, what I see between dev and DSA. Yeah, DSA is really important. I was a developer, okay. I used to only like do web development and all in my most of my student times. But I still think that DSA is really, really important, because in your student days, na, you will think that why I am learning so complex algorithms, because I am only using some part of for loops and all in my personal projects. But it is not, ये ऐसा नहीं होता है companies में, right? हमें complex algorithms लिखने होते हैं, उतने नहीं हाई लेवल डीपी वाले, बट लिखने होते हैं. बट इट्स लाइक कि टू इम्प्लीमेंट दैट लेवल यू हैव टू लर्न सम हायर देन दैट, राइट? सो इसीलिए DSA इज इम्पॉर्टेंट. हाँ, मतलब वो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि यू शुड डू CP और नॉट, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा. बट हैविंग ए वेरी नाइस DSA स्किल्स डेफिनेटली एक्सेल्स, राइट? तुरंत समझ में आता है कि यार हाँ, अब यहाँ पे ऐसे कोड कर सकते हैं. तुरंत समझ में आता है कि हाँ, ये दिया गया है तो यहाँ को ऐसे सोचना होता है ना, कि यू नो कहते हैं ना कि यार कैलकुलस क्यों पढ़ा करते थे हम लोग, कभी यूज तो करते नहीं हम लोग. बट इट हेल्प्स अस टू थिंक, लाइक मतलब हमारा थिंकिंग इम्प्रूव करता है, दिमाग पे प्रेशर डालना कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है. तो दैट इज DSA फॉर यू, कि थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है एकदम, कॉर्नर केसेस सोचने की. कॉर्नर केस बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम जो अभी कॉर्नर केस DSA में सॉल्व करते हो ना, वो बहुत छोटा कॉर्नर केस है जब तुम एक कंपनी में आके काम करोगे विथ ए लार्ज यूजर बेस, राइट? कोई यूजर क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आता है, हर एक कॉर्नर केस तुम्हें पहले सोच के रखना पड़ेगा.
तो वो थिंकिंग एबिलिटी की ऑलवेज फर्स्ट थिंक अबाउट द कॉर्नर केस एंड देन थिंक अबाउट द हैप्पी पाथ ऑफ द कोड, राइट? सो ये सब थिंकिंग DSA से ही आएगी. सो एंड ऑल्सो नाउ कमिंग टू द माई लव पार्ट, लाइक डेवलपमेंट एंड ऑल. सो डेवलपमेंट गिव्स यू लाइक किक काइंड ऑफ थिंग, लाइक यू आर बिल्डिंग समथिंग, इट इज लाइव देयर, यू विल पीपल विल गेट टू सी दैट. इफ यू गाइज नो अबाउट मी, लाइक मैं कॉलेज डेज में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाया करता था, मतलब कि यूज़ करे लोग, कुछ करते रहो, मतलब इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोशल नेटवर्क मूवी खूब प्रोजेक्ट्स बनाया करता था मैं, कि ये ऐसे करना है वैसे करना है. तो वो यूजिंग प्रोजेक्ट्स यू गेट ए वाइब अबाउट लिटिल बिट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, वेरी ग्रैस्प अबाउट द डेटा बेसिस, राइट? सो डेटा बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, सब कुछ डेटा पे, राइट? मतलब सब कुछ डेटा पे, तो डेटा बेस को कैसे डिज़ाइन करना है एंड ऑल दीज थिंग्स, किस तरीके से एक्चुअल थिंग होता है ना, कि सब कुछ कंबाइन करके कैसे एक चीज़ डिलीवर होगी कि चलेगी, तो वो सब उससे सीखते हैं. सो इफ आई समराइज एवरीथिंग, लाइक फॉर बीइंग ए नाइस कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपर यू नीड एसेंस ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो DSA इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल्सो नीड नाइस डेटा बेस ग्रैस्प, ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ नेटवर्किंग एंड ऑल, इफ यू नो दैट इट इज बेटर. ओके, सो विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू भैया. अब इस पार्ट में अर्जुन आपसे क्वेश्चन पूछेगा. अर्जुन, तो भैया काफ़ी ज़्यादा टेक वाली बातें हो गई, काफ़ी ज़्यादा एकदम, मुझे तो बहुत बोरिंग लग रहा था, तो थोड़ा सा लाइट करते हैं. एंड कुछ ऐसा इंसिडेंट भी है जो आप कभी शेयर नहीं किए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो सच में आपके साथ आपको बहुत मजा आया रहेगा, कुछ ऐसा हुआ होगा कॉलेज कैंपस में, तो प्लीज़ शेयर इट. यार इंसिडेंट में दिक्कत ये है ना कि मेरा कॉलेज लाइफ ना इतना ज़्यादा हैपनिंग था, मतलब अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड ऑल मैंने खूब मज़े किए हैं. मतलब बेस्ट थिंग अबाउट कॉलेज इज क्लब्स, ओके? सो हमेशा मैं क्लब्स में रहा करता था. फर्स्ट ईयर में था मैं ड्रामेटिक्स क्लब में, सेकेंड ईयर लिटरेचर क्लब में, थर्ड ईयर में DCC में, फोर्थ ईयर तो कोई क्लब में होता नहीं है, बट लाइक इन्वॉल्व हमेशा मैं हुआ करता था. तो खूब, तो चूज़ करना कि द बेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट सब में से मैं अगर चूज़ करूँ ना, सो परफॉर्मिंग एट लाइक, मैं फर्स्ट ईयर में IIT खड़गपुर गया था, मैं क्लैब बॉक्स प्लेयर हुआ करता था ऑफ आवर नुक्कड़ नाटक टीम. सो परफॉर्मिंग देयर एट खड़गपुर वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, लाइक वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी इन द कॉलेज. तो दूसरा क्वेश्चन भैया ये है, भैया थोड़ा सा आप अपने लव लाइफ के बारे में बता सकते हैं? एज सिंगल एज You think, dude? I am the most single person in the college. लड़के हैं तो मन तो हमेशा करता है, but it's like कि जो सोचे वो हो जाए, तो फिर मजा ही क्या है. बात यही है ना, हम इंजीनियर्स हैं. तो भैया क्योंकि आप सिविल से थे, और दूसरी बात सिविल में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं, और तीसरी बात कोविड था, तो सिविल का स्कोप नहीं था उस समय पे. तो बेसिकली आपने जैसा पहले कहा कि आपके पास जो बचा था वो सिर्फ प्रोग्रामिंग थी. And you saw your future. तो जरा ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग करने के लिए, and then you started coding and all different things, तो एक टाइम ऐसा आया होगा जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, and things are not working out. तो उस समय पे एक वो फीलिंग होता है ना, डिप्रेसिंग वाली फीलिंग आती है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, क्या करूँ. तो हाउ यू मैनेज दैट डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग, और जो सो कॉल्ड स्ट्रेस होता है इस पीरियड में जब कुछ होता नहीं है, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट फर्स्ट थिंग? यार ये केस तो डेफिनेटली आया था मेरे साथ, लाइक कि जब मुझे मैं कोडिंग किया करता था, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे खूब अच्छे अच्छे और फिर मेरी पहली इंटर्नशिप लगी थी, और मैं गया पहले दिन, और उसने तो एकदम से PostgreSQL और TypeScript और सब कुछ दे दिया कि ये करना है, और मेरी हालत ख़राब है कि भाई कोडिंग इज़ नॉट फॉर मी. मैं अगले दिन गूगल सर्च कर रहा हूँ कि एयरफोर्स का अगला एग्ज़ाम कब है, एयरफोर्स में जाएंगे, ऐसा ऐसा सीन हुआ. बट इट्स लाइक कि धीरे धीरे समझ में आया. फिर क्या होता है ना कि जब ऐसा डिप्रेसिंग टाइम आता है किसी के साथ में ना, तो वो सीनियर्स के पास जाता है. मैं गया अपने सीनियरों के पास जो ऐसे बैंगलोर में काम कर रहे थे एंड ऑल एंड ऑल.
वही उन्होंने काफी अच्छे तरीके समझाया कि यार इट्स नॉट लाइक कि पीछे हट जाना इज नॉट द थिंग, मतलब करना पड़ता है यार। ये जो इनिशियल फेज होता है ना 0 to 1 वाला, वो काफी मुश्किल होता है, उसके बाद ही सब कुछ स्मूथ होने लगता है धीरे धीरे। इनिशियल फेज ऑफ एवरीथिंग लाइक लर्निंग DSA, लिंक्ड लिस्ट पढ़ने में मुझे भी 3 बार लगा था, 2-3 महीने लिंक्ड लिस्ट ही पढ़ा था मैं, नहीं समझ में आता था कि पॉइंटर क्या होता है। मतलब NPM इंस्टॉल करने में, मतलब नोड पैकेज इंस्टॉल करने में मुझे 2-3 दिन लग गए थे। इट लाइक कि इनिशियल फेज, मतलब डिप्रेशन से मैं कैसे जूझा, इज लाइक कि कुछ टाइम, मतलब 1-2 बार ही डिप्रेशन आया था, और उस कुछ टाइम के बाद मैं इतना मेच्योर हो गया था ना कि यार लगता था कि ठीक है भाई, मतलब हो जाएगा सब कुछ। अच्छा मतलब तो मैं ज़्यादा इस इन सब के बारे में सोचता नहीं था, मतलब कि ठीक है, मतलब मैं सोचता था कि कॉलेज 4th ईयर के आखिरी दिन भी मुझे प्लेसमेंट लगी ना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं ये थिंकिंग से चला था एकदम से, कि कल आखिरी दिन है एग्ज़ाम का मेरा, 8th सेमेस्टर का आखिरी एग्ज़ाम, अगर उस दिन भी मैं प्लेस्ड हूँ ना तो लाइक कि आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। एक्सपेक्टेशन रखा ही नहीं था अपने अपने से ज़्यादा, बस एक ही करते जाना है। वही चीज़ है ना कि और सब कुछ पता है तुमको, ये करना ये करना ये करना ये करना है, नोट डाउन करो सब करते जाओ, नहीं होगा सब छूटेंगे चीज़ें, बट लाइक कि ट्राई टू डू दैट। और एट द एंड थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को लो रखो और एफर्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा। यस, एक्सपेक्टेशन मतलब ठीक है कि एकदम से नहीं सोचना है कि एक दिन लिंक्ड लिस्ट पूरा अच्छे से पढ़ लिए तो सीधे टावर रिसर्च का सोचने लगेंगे, लाइक कि जितना करो उसके बाद ही उतना ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन कम रखोगे तो डेफिनेटली प्रेशर कम आता है, ज़्यादा नहीं सोचना है कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे ये वो, कोई कुछ नहीं सोचता भाई, दे लव यू। ओके, तो वही एक्सपेक्टेशन कम रखो, प्रेशर कम आएगा। अच्छा तो अगला जो सवाल है भैया, जैसे कि आपने बताया कि आप पूरे टाइम तक सिंगल रहे, तो जब जब आप सिंगल हुए, इज देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ हैविंग एन हार्ट ब्रेक एंड हाउ डिड यू डील विद दैट? यार डूड, लाइक एवरी अदर 6 मंथ आई हैव ए हार्ट ब्रेक, एंड लाइक आई चैनलाइज इट, लाइक आई ट्वीटेड वन थिंग, लाइक हार्ट ब्रेक्स आर स्टेरॉइड्स फॉर मी। सो ऐसे ही मेरा टाइम चला भाई। मतलब ये सब थिंग इज, थोड़ा सा पॉजिटिव रखना चाहूँगा इंटरव्यू को, कि दीज ऑल थिंग्स आर सेकेंडरी थिंग्स, मतलब प्राइमरी को अगर पैरेलली हमेशा चलाते रहो तो इन सब से फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। तो भैया अगर मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ होती है इन अ वेरी टेंडर टाइम, लाइक 3rd ईयर के एंड में या फिर जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, दैट इज द प्लेसमेंट टाइम, हाई टाइम एकदम, तो अगर मान लो उसके साथ अगर इस तरीके की सिचुएशंस होती है, देन हाउ दैट सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड? अगर आप वैसे होता था तो आप किस तरीके से डील करते थे? किसी को प्लेसमेंट के टाइम, भाई प्लेसमेंट के टाइम पे सब क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहिए, राइट? और अगर हो जाता है ना तो वही है कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब प्लेसमेंट के पहले तो मैं एकदम सीधा बच्चा बन अच्छा गया था। नो मतलब एक कहावत है कि जब तक मतलब नीटा से काफ़ी रिलेटेबल कहावत है, पता नहीं तुम लोग अभी उसको समझ पाओगे कि नहीं पाओगे। तो नीटा में क्या है ना कि गर्ल्स हॉस्टल की इन टाइमिंग इज 6 PM, ओके? अब बढ़ गया है, हमारे टाइम पे 6 बजे ही हुआ करता था, ठीक है? तो हमारे ग्रुप में ऐसे कहावत थी कि बॉयज़ हॉस्टल से के बाहर हम लोग 6 बजे के बाद ही निकलेंगे, बिफोर द प्लेसमेंट्स। समझ रहे हो मतलब मीनिंग, कि छः फुल बजे तक तो निकलना ही डेडिकेशन। नहीं है भाई, 6 बजे जब वो वापस हॉस्टल्स में जाएंगी तब मैं निकलूँगा कॉलेज अपने हॉस्टल से, ठीक है? तो दिस विल कीप यू सेक्रेड एंड ऑल, फिर सब कुछ सही है। बाकी आप भी फ्यूचर में एक नावी एम्प्लॉय बन सकते हैं अगर ये फॉलो ना किया। भी क्या, सब कुछ ना भी तो एज इज एवरी अदर कंपनी, इट्स ए कंपनी। तो भैया एक बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन रहता है या फिर यू कहो कि मेरा एक पर्सनल जो डाउट रहा है, एक जो माइंडसेट होता है ना भैया कि नहीं फोकस रहना है, एक चीज क्लियर हो गई या नहीं उस पे ध्यान देना है, और घंटों तक उसी चीज पे बैठे रहते हैं चेयर पे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था भैया कि जब आपने स्टार्ट किया, जब आपने करना शुरू कर दिया, ठीक है, और जब आप एक स्टेज पे पहुंच गए,
तो आपने कैसे कैरी ऑन किया कि वो जो माइंडसेट बिल्ड करना था बेसिकली, मान लीजिए 4 घंटे 5 घंटे, या कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो 5 5 6 6 घंटे, रात में 12 1 2 बज जाती है, तो वो कैसे आपने किया? और मान लीजिए कि अगर कोई आपका जूनियर है, जैसे कि हम हैं और हमारे बाद जो है बैचेस के 25 26 27 वाले, उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम होती है तो व्हाट दे शुड डू? मेरा थोड़ा चेंज था यार, मैं ना कि एकदम से खूब टाइम वाला नहीं था। मतलब मुझे जब, जैसे कि कहते हो ना कि सवाल नहीं बन रहा है तब उसको 6 घंटे तक ले रखें, मैं ये नहीं करता था। जब मुझसे बन रहा है खूब सारा तब मैं 6 घंटे मस्त करूँगा, अब मेरे से फंस गया है तो मैं ट्राई करता था, ठीक है थोड़ा ट्राई किया, आधे घंटे 1 घंटे ट्राई किया, देन आई स्टॉप। अब मैं वो दूसरी चीज़ करने लगता था जो मैं आराम से, मेरे से इजीली हो रही है, कि मेरा बना रहे, मैं ज़्यादा ना टेंशन में नहीं आऊँ, सोचूँ ना ज़्यादा कि यार मुझसे हो नहीं रहा हो नहीं रहा, हमेशा सेल्फ मोटिवेट करते रहता था। देन कुछ टाइम के बाद फिर से उस पर जंप करता था नए फ्रेश माइंडसेट से, तो ऐसे ही मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करता था। बेसिकली फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, या और आपका अप्रोच काफी डिफरेंट था जो यूजुअली लोग अज्यूम करते हैं, हाँ नहीं नहीं लगातार मैंने लगे टाइम रहो, स्पेंड वो किया। मैं ऐसा नहीं किया करता था। अच्छा, तो भैया अभी आपने बहुत सारी ट्रेंड्स सुने होंगे टेक में, बेसिकली जो रिसेशन है, एआई है और कैंपस प्लेसमेंट है, 2024 के जो बैच है उसके साथ काफी प्रॉब्लम हो रही है जो कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, एंड जो अभी एडवांसमेंट है एआई का उसकी वजह से क्या सिचुएशन अराइज हो रही है और कैंपस प्लेसमेंट स्पेशली 25 26 और 27 की बैचेस के लिए? यार सो फर्स्ट थिंग इज रिसेशन, तो रिसेशन इज़ देयर, रिसेशन है इधर और फील भी हो सकता है, बैंगलोर में मैं हूँ पता चलता है कि रिसेशन इज़ देयर। ओके सो इसके लिए एकदम फुल प्रूफ होना है तो यार बेस्ट होना पड़ेगा। मतलब आई एग्री कि हार्ड टाइम है, कम अपॉर्चुनिटीज़ है, बट लाइक कि टू सर्वाइव ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, बेस्ट बनो। मतलब कोई मुझे दूसरा ऐसा हैक दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट ए आई, दैट ए आई विल रिप्लेस और नॉट, आई स्ट्रांगली डिसएग्री ऑन दिस, बिकॉज मतलब जब विक्स आया था और वर्डप्रेस आया था तो लगा था वेब डेवलपर्स मर जाएंगे, बट लाइक कुछ नहीं हुआ उनको। वी ऑलवेज नीड गुड डेवलपर्स एंड ऑल, बिकॉज फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर द कोर थिंग इज़ टू सॉल्व ए बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग योर कोड, बिल्डिंग एप्स, सॉल्विंग ए बिजनेस प्रॉब्लम। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज देयर, सो इसके लिए चिल रहो। मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। जो अभी कैंपस प्लेसमेंट्स होंगे, बिकॉज अभी 2024 का तो सिचुएशन अच्छा नहीं है, जो आने वाले बैचेस हैं 25 के 26 के 27 के, वो कैसे हो सकते हैं? मतलब क्या है ना कि जो वही है ना थोड़ा सा कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसको क्या ही कर सकते हो। लाइक कि तुम्हारा हाथ में प्रिपरेशन करना, मतलब सारे वेपन्स रेडी रखो, सब कुछ की प्रोजेक्ट्स भी हैं, ओपन सोर्स भी कर लो, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लाइक कि पर हार्ड टाइम से तो ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, सब कुछ ट्राई करके रखो, प्रोजेक्ट रिज्यूमे एकदम बढ़िया बना के रखो, प्रोजेक्ट्स हमेशा लाइव करके रखो, डीएसए में अच्छा करके रखो, तो उसके आगे फिर तुम्हारा हाथ चलता नहीं है, राइट? तो कि ठीक है फिर तब भी नहीं हुआ तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, तब हो ही जाएगा। बेसिकली कि पूरा बेस्ट करने का ट्राई करना है एंड बी बेसिक। फिर हाँ एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भैया कि लेट्स से इफ अंकुर राज इज स्टार्टिंग हिज कोडिंग जर्नी फॉर इन 2024, कीपिंग द करेंट सिनेरियो इन माइंड, सो व्हाट वुड बी द अंकुर्स वे ऑन लर्निंग द डीएसए एंड अदर कोडिंग थिंग्स इन 2024? यार डीएसए में तो मुझे लगता है कि मतलब सबका लर्निंग कर्व अलग अलग है, मेरा काफ़ी स्लो हुआ करता था, मैंने भी खूब मेहनत की थी डीएसए में, उतना ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाया था, बट इट्स लाइक कि मेरा था कि वही रिपीटेटिव किया करता था, तो डीएसए में मुझे नहीं लगता कि मैं चेंज करूँगा कुछ भी। वही अच्छे से थ्योरी पढ़ो, देन सॉल्व एज मच प्रॉब्लम एज यू कैन, डिफरेंट थोड़ा सा चेंज करता तो एक आई विल डेफिनेटली स्टिक टू वन कोडिंग प्लेटफॉर्म, आइदर लीड कोड और गिग्स, और गिग्स और अच्छे डिफरेंट तरीके के सवाल बनाता। पर जब मैं पहले किया करता था इट्स लाइक कि इजी सवाल ही लगाया करता था, मज़ा आ रहा है मुझे इजी सवाल लगाया जा रहा हूँ, वो सब नहीं किया करता। ये चेंजेस डेवलपमेंट में मैं डेफिनेटली चेंज करूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट में मैंने बहुत कूद फांद की थी, रिएक्ट भी पढ़ा था, एंगुलर भी पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा करता था, बट लाइक कि मैं कॉन्साइजली कम चीज़ें पढ़ करके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाता तो आज मेरी डेवलपमेंट और होती, और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना। इट्स लाइक कि मैं नोड जेएस पढ़ लिया और नोड जेएस में 5 6 प्रोजेक्ट्स बनाया करता था,
अब मैं शायद वो ना करता, अब की एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए, देन मूव टू न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक डेवऑप्स सोचता मैं सीखने का. मतलब बैकएंड में ही मतलब इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ता, दीज थिंग्स. तो मतलब जो डीएसए का सवाल था स्टार्टिंग से चला आ रहा था, उसका जो पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का तरीका है वो नहीं बदलेगा, वो वैसे ही रहेगा. हाँ, क्योंकि दैट इज वेरी मच पर्सनल टू मी, बिकॉज कि मैं किस कितना समझ पा रहा हूँ, मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है मुझे, तो मैं उसको वैसे ही रखता. बस लाइक कि थोड़ा सा इम्प्रूव करने करता तो कंसिस्टेंसी बढ़ाता एंड देन स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. मैं मतलब इधर उधर काफ़ी जाया करता था, थोड़ा कोड फोर्सेस खूब चल रहा है यूट्यूब पे, तो कोड फोर्सेस के 800 रेटिंग वाले खूब सवाल लगा लिए, फिर इधर लिंक लिस्ट नहीं बन रहा है तो सिर्फ स्टैक क्यू के ही किए जा रहा हूँ. ये सब नहीं करता मैं, ये सब चेंज करता. सो बेसिकली जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे था वो ये कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और स्टिक टू ओनली वन प्लेटफॉर्म. Yes. तो अगर किसी को 2024 में सक्सीड करना है तो yeah, this is और my thing, bro. Like, exactly, yeah. That's why it was Ankur's way of learning. Last question, then we'll move to the rapid fire round, जहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर करना है. Okay. तो उसके पहले का ये जो क्वेश्चन रहेगा वो am I too late to start coding? यार, not only coding, everything, you are never too late. Like, जब से स्टार्ट कर दो तब से सही है. मतलब आज अगर अगर तुम फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में भी हो और लाइक कि तुम्हें लगता है कि लेट हो चुका है, तो इट्स लाइक कि 6 महीने ही पढ़ लो, 7 महीने ही पढ़ लो, शायद 1 साल पढ़ो तो 1 साल भी बहुत टाइम होता है. तो पूरा फोर्थ ईयर भी डेडिकेशन से तुमने पढ़ा है, तो आफ्टर योर फोर्थ ईयर यू कैन गेट ए जॉब, राइट? सो इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर गोइंग टू बी टू लेट टू लर्न एनीथिंग, नॉट ओनली कोडिंग एंड ऑल. तो जो कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, वो एकदम सच है इस मामले में. एग्जैक्टली. लास्ट क्वेश्चन भैया, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू योर यंगर सेल्फ व्हेन यू वर स्टार्टिंग एज अ कोडर राइट नाउ? मैसेज क्या देता यार, मतलब जब मैं स्टार्ट किया था यार, तो मतलब मैं सोचा था कि खूब सारी चीजें करूंगा, काफ़ी ज़्यादा सोचा था. जितना अभी किया है उससे तो, जितना सोचा था उससे तो काफ़ी कम किया है मैंने. तो मैं सोच मतलब यही बोलूँगा कि थोड़ा और मेहनत करो भाई. जितना मतलब शुरू में मैं करता था तो आई वॉज़ वन ऑफ द इनिशियल पर्सन टू कोड इन NITI अगरतला, तो मुझे थोड़ा लगता था कि यार मैं तो काफ़ी अच्छा कोड कर रहा हूँ, मुझे तो खूब मज़ा आ रहा है. बट लाइक कि मेरे जैसे बहुत सारे और थे जो अपने घरों में मेरे मुझसे भी अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे. तो वही मैं सोचता कि यार डोंट थिंक लाइक दैट कि तुम एकदम बढ़िया कोडर हो या खूब तुम्हें आता है, तुमसे भी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, तो और ज्यादा मैं मेहनत करता और मेहनत करो. हाँ तो भैया ठीक है, रैपिड फायर राउंड मूव करते हैं. एक बोनस क्वेश्चन भैया, वो जो मजे मजे वाला बात है ना, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये कर लो उसके बाद मजे मजे है, फिर यहाँ चले जाओ फिर मजे मजे है, तो आपने तो कुछ फेसेस देख लिए, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मजे मजे है यार, मजे मजे हैं, डेफिनेटली मजे हैं यार. मतलब ये मुझे पता नहीं कि हमेशा मज़ा मज़ा क्यों नहीं आता है. मतलब कि हाँ यार, कॉलेज में होता है ना कि मज़ा का तरीका अलग हो जाता है, कि अब 10th 12th के बाद कॉलेज में आएंगे तो बोलते हैं मज़े मज़े हैं, पर असाइनमेंट असाइनमेंट, तो बट यू नो कि मज़ा मज़ा भले असाइनमेंट मिलता है हमें, बट इट्स लाइक कि हॉस्टल में बकचोदी भी खूब ज़्यादा होती है, राइट? तो वो भी मज़ा है. अब कॉलेज के बाद तुम अब जॉब करने लगे हो, तो इट्स लाइक कि अब मजे मजे तुम बोले कि यार अब जॉब जाना, बट यू आर गेटिंग ए वेरी नाइस सैलरी, यू आर हेल्पिंग योर फैमिली, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ, यू आर गेटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ऑल, घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते, जो मम्मी पापा बोलते हैं उनको खरीद के दे दो, वो मज़े हैं. मतलब बिना किसी से पैसा मांगे अपना खुद का फ़ोन खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, कहीं घूमने चले जाओ, वो मज़े हैं. तो मज़े तो हैं यार, हर फेज में मज़े तो मिलेंगे तुमको, इसको नेगेटिव वे में डेफिनेटली मतलब सब की मजे तो हैं यार. क्योंकि ये बहुत ही एक नेगेटिव वो क्रिएट हो गया ना ये एनवायरनमेंट की, कॉर्पोरेट कल्चर खराब होता है, ऐसा है वैसा है, मजे मजे खाली बस बोलने. हाँ यार, मतलब पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए. कॉर्पोरेट कल्चर वो क्या कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, लाइक कि इट्स नाउ ए मीम थिंग. अब मीम वाले जो बनाते हैं उसको सब सच मान लेते, बट लाइक दैट्स व्हाई इट इज मीम, राइट? It is meant to be taken as a joke. Exactly. तो ये बढ़ते हैं अपने last session में इस show के, और मेरा जो पहला question रहेगा, आपने meme की बात की तो rapid fire round का पहला question ये है कि one meme that perfectly captures your daily coding struggle.
वन मीम दैट ये यार कि अभी लगता है, ऐसा मीम आया करता था ना कि अभी लगता है कि यार मुझे जब कोड सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, पर कोड सॉल्व हो गया तो लाइक आई एम बेटर देन मार्क जुकरबर्ग वाला थिंग. तो दैट वो सेक्रेड गेम का एक ट्वीट. बहुत पॉपुलर हुआ था, कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है, ऐसा फील होता एग्जैक्टली है। क्रेज यूपीएससी की क्रेज तैयारी कर लेनी चाहिए थी। नहीं, यूपीएससी कभी नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, कॉफी और कोड? यार वेरी टफ टू आंसर, आई लव कॉफी सो मच. कॉफी कोड बोथ. इफ चूज वन देन आई विल चूज कोड बिकॉज दैट इज हेल्पिंग मी टू बाई कॉफी. एग्जैक्टली, क्लेवर आंसर। या नेक्स्ट, ओपन सोर्स सेवियर और स्कैम? ओपन सोर्स इज डेफिनेटली ए सेवियर. आई विल नॉट इलेबोरेट बिकॉज इट्स ए रैपिड फायर. थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलाइन थ्रिल और चिल? डेडलाइन इज ए थ्रिल, ओके, डेडलाइन इज ए थ्रिल. आई नाउ रिसेंटली एट माई कंपनी आई एम लाइक वर्किंग ऑन सो मच डेडलाइंस और काफी मजा आ जाता है. मतलब डेडलाइंस में एक अलग मजा है। हाँ, वन कोडिंग सुपर पावर? वन कोडिंग सुपर पावर, लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट कोडिंग एंड ऑल इज ना यू राइट वन फाइल ऑफ कोड. ओके, वन फाइल ऑफ कोड, इट इज गोइंग टू बी, इट इज दैट इज द सेम फाइल दैट इज गोइंग टू बी यूज बाई 10 पीपल, 100 पीपल, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन पीपल. बेस्ट थिंग अबाउट द कोडिंग इज एक बार लिखो, इनफाइनाइट लोगों के लिए यूज हो सकता है वो चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ योर कोड हैज थीम सॉन्ग देन व्हाट वुड इट बी? योर कोड हैज थीम सॉन्ग, हाँ व्हाट एवर इट टेक्स. ओके, इमेजिन ड्रैगन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, फेवरेट इमोजी टू डिस्क्राइब योर करंट जॉब? यू नो देर इज ए इमोजी ऑफ लाइक जिप ऑन योर, लाइक माई मैनेजर इज स्पीक मोस्ट नंबर ऑफ थिंग्स यूजिंग लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स. दैट इज माई लाइफ एट नावी नाउ डेज. That's great. That's great. Next question. Worst tech pickup line you have heard or you have used? I never, like, I rarely fall into girls in tech or programming, so I never used it. I think I should skip this. मैं गूगल में ठीक काम करता हूँ। हाँ यार, पिकअप क्या कि यार SD1 एट फिनटेक. वॉच माई CTC एट ग्लास डोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम ऑफिस, डेफिनेटली वर्क फ्रॉम ऑफिस. ये जो यू विल गेट टू मीट सो मेनी नाइस पीपल इन ऑफिस. लाइक एट नावी बेसिकली द बेस्ट थिंग अबाउट नावी इज लाइक हर दूसरा आदमी IITN या IIM का है, हर दूसरा आदमी. सो बेस्ट थिंग, लाइक कितने लोगों से मिलोगे तुम जो कहाँ से काम करके आए, कैसे आए हैं, वो बॉन्डिंग और वो मज़ा, उनके पर्सनल लाइफ में घुस जाना कि वो क्या करते हैं हर रोज, ये सब ऑनलाइन में नहीं हो पाता भाई. एम मोर, मतलब कोडिंग इज नॉट माई थिंग ब्रो, कि हर समय मैं कोड ही करते रहता हूँ. कुछ और भी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, बातें चीत ये सब करना एंड ऑल फन एक्टिविटीज, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा. लास्ट क्वेश्चन, पूछने में थोड़ा डर लग रहा है, पर सीटीसी? यार डूड, सी ऑन द ग्लास डोर. 12,000 रुपीज पर मंथ. थैंक यू भैया, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड हैविंग योर एक्सपीरियंसेस ऑन बोर्ड हियर ऑन डायरेक्शन कोड के, एंड वी होप कि जितने भी ऑडियंस हमारी यहाँ से जितनी भी टेक अवेज लेके जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाला है। आई ऑल्सो थिंक द सेम कि कुछ तो समझ के जाए. इट वॉज रियली अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन भैया। यार थैंक यू सो मच पीपल, मज़ा आया मुझे भी, और बहुत मिसिंग माई कॉलेज सो मच. एवरी डे आई मिस माई कॉलेज, वेन एवर आई सी
स्नैप्स एंड वीडियोस एंड स्टेटस ऑफ माय जूनियर्स एंड आई डेफिनेटली मिस देम. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच भैया. थैंक यू गाइस. स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.